हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही लिए होंगे, ये है कुदाल। तो आज थोड़ा आर सफाई करने जा रहे हैं खेत में। तो धान लगाने सब तो देख चुके हैं, तो उसका किनारे किनारे जो आर होता है उसको कैसे मेड़ को सफाई करते हैं वो देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मेरा सामने कुदाल है, ये देख सकते हैं, सफाई उफाई किया हूँ। ये भी मेरा बड़े पापा का है। तो मेरा तो ऐसा कुछ रखा नहीं हूँ, मैं बाहर रहता था, इसलिए देख सकते हैं। करीना सब तो नहीं जाएगी, वहाँ खड़ी है। अभी धूप भी बहुत है, तो मैं जा कर देखता हूँ। बहुत दिन से ऐसा काम भी नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत करके आता हूँ। तो देखिए, करीना छाया में इधर है, ये सब तो नहीं जाएगी। बाबू तो अभी तय हुआ है, बाबा बोल दीजिए, थैंक यू। तो मैं खाली जाऊंगा, वो देख सकते हैं उधर, और कुदाली बना रहे हैं, वही सबके साथ में जाना है। तो देख सकते हैं, हेलो बोल दीजिए साहब जी। ये भाई है, सोए देख सकते हैं, इधर डीजे है, डीजे बाजा के साथ काम करते हैं, देख सकते हैं। तो अभी तो करीना भी जाऊंगी बोल रही है, बाबू को मैं पकड़ लिया हूँ ना बाबू, हेलो बोल दीजिए। देख सकते हैं मैं पकड़ा हूँ। तो देख सकते हैं करीना सब लगाने शुरू कर दिए हैं धान, और इधर बाबू बैठा है और उधर ममता खड़ी है। तो मैं भी उधर अभी आर छीलूंगा, देख सकते हैं मेरा भाई छील रहा है, देख सकते हैं। तो मैं भी शुरू कर दिया हूँ इधर, और देखिए ऐसा छीलना पड़ता है, इधर हल सब नहीं पहुँचता है इतना आड़ में, इसलिए इधर का घास सबको एक एक कुदाल मार के इधर साइड में फेंकना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करने से घास भी निकलता है और धान को भी बड़ा होने नहीं देता है, तो इसलिए इसको इधर साइड साइड में सफाई करना पड़ता है। ये देख सकते हैं इधर घास भी, वो देखिए उधर सफाई हो जाएगा वैसा करने से, और इतना जल्दी घास नहीं निकलेगा और धान भी अच्छा से बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक तो अभी छीला हूँ, अभी इधर छीलना बाकी है। उधर ममता और बाबू बैठे हैं। तो दोस्तों, उतना बचा है उधर, वो एक आध घंटा में ख़त्म हो जाएगा। तीन आदमी छील रहे हैं, इसलिए मैं तो पहली बार अभी छील रहा हूँ, पहले बहुत दिन से पहले छीला था। देख सकते हैं इतना ठाव है, तो ख़त्म हो चुका है, अभी नीचे का लागे हैं, एक घंटा जैसा हो गया है। तो देख सकते हैं वो वाला एक हो गया है, और ये वाला भी हो गया है, और इसको इधर तो हो गया है, उधर बचा हुआ है, और एक उधर छोटा वाला बचा है। तो सब टोटल हो गया है, लेकिन ममता सब नहीं रह रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम लोग उधर। धान रोपने वाला भी ख़त्म हो गया है, बीड़ा बोलते हैं वो, तो इसलिए जा रहे हैं हम लोग करीना से। बाबू सब भी परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा देर खेत में भी नहीं रहना चाहता है हम लोग का बाबू। तो चलिए देखते हैं करीना सब कितना लगाए हैं। एक
इतना लगा चुके हैं करीना, सब उधर ख़त्म हो गया है धान लगाने वाला। हम लोग का बाबू भी इधर आ रहा है, आ बोल के बाबू वही जगह रहो बेटा, वही जगह। हेलो बोल दो। तो दोस्तों मैं भी हाथ पैर धो लिया हूँ, अब जा रहे हैं हम लोग, करीना सब जाने लगे हैं उधर, देख सकते हैं। देखिए ममता भी, तो ये देख सकते हैं ममता को गोदी के हम पीछे ना। ममता जी अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा फिर तो ममता को भी उतार दिया हूँ, इधर साफ है। बाबू को तो अभी धो दिए हैं इसलिए ठंडा लग रहा है ना बाबू। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं मैं कपड़ा भी चेंज कर लिया हूं, ये सब खराब हो गया था उधर, कपड़ा सबको घर दिए, धोवा के आ गए हैं, नहाएंगे तो सबेरे, अभी तो शाम हो रहा है। तो यही कुछ वीडियो बना हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों पहली बार हम लोग के चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो वह देख सकते हैं करीना सब बाल बना रहे हैं। ममता जी बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। ये भी बाल बंधा ली ममता, और बाबू इधर बैठे, बाबू बोल दीजिए बेटे, सब करीना दोस्तों बाय बाय बोल दिए। तो दोस्तों बाय बाय।